पहले 3 दिन आई वुड से थोड़ा सा एडवांटेजेस गेम तो निकाला, लेकिन उतना बड़ा मॉडरेट गेम उनकी तरफ से देखने को नहीं मिला था। लेकिन अब अगर बात करें जाए राइट नाउ इस परफॉर्मेंस की, अच्छा लगा इस तरह का कमबैक देख के। हालांकि 3 खिलाड़ी के साथ देखने को मिल रहे हैं, चेकिन थोड़ा सा शेकी जरूर से रहेगा, बट देन अगेन इट इज पॉसिबल। सील की बात करूं तो फिलहाल आईसीयू को एलिमिनेट करने के बाद कुछ और टीम्स को पिक करने की कोशिश करते हुए देखेंगे। मेमेटिक जेड सेंटर पे देखने को मिल रही है, थोड़ा सा हाइट एडवांटेज भले उनके पास है, बट मांबा कनेक्शन के मोहताज है। और लीजिए एक अच्छा नेड यहां पे सेंचर का देखने को मिलेगा। वंस अगेन द ओपनिंग गेट्स क्रिएटेड। रोग और सेंचर अपनी टीम के एक ऐसे दो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है जिन्होंने हर बार कहने के पिक्स निकालने में केपेबल रखा है खुद को, और इस बार भी कुछ वैसे ही देखने को मिल रहा है। रेरिक्स की तरफ बढ़ते चले जाएंगे या फिर उससे पहले करेंगे लूट को इकट्ठा, देखने वाली बात रहने वाली है। सेंचर वीकेंड लेकर डायरेक्टली सामन दे दिया उस लोकेशन पर जहां पर उन्होंने एलिमिनेशन मिला है मैट कैरेक्टर। उसी के साथ K9 की बात करी जाए, NB की बात करें जाए, यानी कि एज अ होल वो भी उसी कंपाउंड को होल्ड करके बैठी है जो शेल्टर के आगे आपको देखने को मिल जाता है, जहां पे वो शुरुआत से प्रेजेंट थे। डीआरएस के खिलाड़ी के ऊपर लगातार लेते शॉट्स। रोग अभी कनेक्शन नहीं निकाल पा रहे अपने उरुस के पास, रहेंगे कवर पूरा उनको मिलेगा डेफिनेटली, बट जल्दी से जल्दी रोटेट करके एक अलग एंगल लेना इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जोन के बाहरी शिविर पे एज पे देखने को मिल रही है टीम। रेयरिक्स में भी एक फाइट के अंदर इंडल्स होते हुए देख सकते हैं, स्प्रे यहाँ पर दिए जाएंगे। सनसेट के ऊपर काफी अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल चुका है, कुछ और अच्छे स्प्रे टेक डाउन की मुश्किल एक कड़ी देखने को मिली, और उसी के साथ सनसेट को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ना रोग बिकम्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग। रोग डेफिनेटली अपनी तरफ से कुछ करने की कोशिश करेंगे या फिर फॉल बैक करेंगे देखना चाहूंगा, बट रेयरिक्स को इस समय हील भी करना है जल्दी जल्दी। अगर रेयरिक्स उसको रिपैच करते तो उनके लिए बेटर रहेगा, बट कुछ शॉट्स लेंगे पहले वो रोग के ऊपर, कनेक्शन नहीं बना पाए, कुछ खासा यहाँ पे इंप्लीकेशन देखने को मिले करें। इसी के साथ रेयरिक्स हैव डिसाइडेड टू हील हिमसेल्फ, फटाफट से हील एक बार कर ले तो शायद गेम के अंदर एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, बिकॉज यस संचर को डाउन करने के बाद सील स्पोर्ट्स की कमर टूट चुकी है। बट सिनिस्टर वहीं पे डाउन होते हुए देखेंगे, काफी देर से सर्वाइव कर रहे थे लेकिन तुरंत ही डाउन किया जाएगा। वही फियर को भी पिक कर दिया गया व्हीकल बस्ट आउट के साथ। डिक्टेटर नाउ बिकम्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग। बेली एज को पकड़ने की कोशिश करते हुए देखेंगे, शायद ही सर्वाइव कर पाई ये टीम, बट यस यहाँ पे फियर एलिमिनेशन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं बहुत जल्द। केसे की बात करी जाए सर्वाइव कर रहे हैं, और सिनिस्टर को डाउन करने के साथ ही एवन एनबी स्पोर्ट्स का भी जो एक पूरा मेटा था, एक पूरी मैनपावर थी वहां से निकलती दिख रही है। बट सम गुड नेचर गोइंग इन, हिटमैन का एक और नेड या तो बैरन को डाउन कर सकता है या फिर कहने के इनको शट डाउन करता हुआ दिखेगा। बट सीएफएम जीएसएम उससे पहले द स्क्वाड किलर डीआरएस के हत्ते चढ़ती हुई दिखेगी। डीआरएस के पास एक बड़ा एलिमिनेशन निकल के आ चुका है। रोग डालेंगे नेड्स, ये रोग के नेड्स है जो मेबिटिक्स से काफी ज्यादा भारी हो सकते हैं, बट उससे पहले स्प्रे आ चुका है। रेयरिक्स माइट बी एबल टू फाइंड हिम, एक अच्छा हेडशॉट यहां पर जरूर से पड़ता हुआ दिखेगा। रेयरिक्स इज नाउ गोइंग टू गो ऑन द कवर्स, एक एम लेके आगे बढ़ते हुए दिखेंगे, बट रोग इज गोइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल हील हिमसेल्फ एंड देन इवेंचुअली कम बैक। नीड्स का आप देखिए लगातार इस्तेमाल करते दिख रहे हैं, प्लेयर यहां पे कुछ खास फायदा होगा नहीं उसका। रेयरिक्स एक 1v2 करते दिखेंगे, बड़ा ब्यूटीफुल फाइट दैट वाज, बट रेयरिक्स भी ज्यादा आगे तक नहीं टिके रहेंगे। डेल्टा इज ऑन अ बीस्ट मोड, 5 एलिमिनेशन निकाल चुका है खिलाड़ी, और यस एक्जैक्टली रैम्पेज वाला सीन है। 10 एलिमिनेशन निकालने के साथ ही साथ एक अनस्टॉपेबल परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। मुझे पहले दिन की याद आ रही है टू बी ऑनेस्ट, जब पहले मैच के अंदर डीआरएस ने अपना चेकर निकाला था, और लग रहा है कि आज के दिन का भी जो पहला मैच है वो डीआरएस के नाम हो सकता है प्रोबेबली। चांसेस काफी ज्यादा हाई दिखेंगे जो सेना, आई कैन सी इट ऑन द चैट टू, कि काफी ज्यादा एक सपोर्ट आपको डीआरएस के आता दिख रहा है, और डेल्टा जॉर्ड यहां पर स्पैम होता दिख रहा है चैट पर जरूर से। एंड हां हार्ट्स अपने लगातार स्पैम करते चलिए, अभी के 10 किल्स हो चुके हैं टीम के पास, एंड 2+ सर्वाइव करें। डेल्टा एचपी काफी ज्यादा कम, बट अगेन पीछे हटता दिखेगा, खिलाड़ी हील अप करेगा, रीसेट करेगा, एंड ही वुड बी मूविंग फॉरवर्ड, बट लेट्स सी। अभी के लिए A1 NB भी सर्वाइव करें, A1 NB इज ऑल्सो काइंड ऑफ गोइंग फॉर द कमबैक जो कि काफी ज्यादा दरकार थी इस टीम से। मेप्टेक्स भी सर्वाइव करेगी, बट एक अच्छा नीड हिटमैन विद अ वेरी प्रिसाइज नीड फटेगा जरूर, एक खिलाड़ी को टेक लेके जाएगा नीचे, टेक डाउन किया एक प्लेयर को, बट क्या कंफर्मेशन पे आएगा कन्वर्जन? नो, आई थिंक सो। व्हीकल लेके सीधा आगे बढ़ जाते हैं, एक व्हीकल ड्राइव बाय और साथ साथ फ्रेज देने का मौका रहेगा, बट वो नीड थोड़ा सा तंग कर सकता था अपने प्लेयर्स को, बट क्या उन्होंने स्पॉट किया दूसरे खिलाड़ी को? जी हां, बैन को स्पॉट किया, डाउन किया, और अब 2 टीम मात्र बची, A1NB वर्सेस DRS गेमिंग। लेट्स सी, द नंबर्स गेम इज क्वाइट इवन फॉर बोथ द टीम्स। ओ आई एम रॉन्ग, नंबर्स गेम इज नॉट एट ऑल इवन। A1NB के पास 3 प्लेयर्स है और DRS के पास 2, तो एक 3v2 की सिचुएशन होगी। एंड लेट्स सी कौन इसको जीत रहा है, बिकॉज़ हिटमैन ने अपनी टीम के लिए काफी वैल्यू निकाली, डेल्टा ने अपनी टीम के लिए काफी वैल्यू निकाली, लेकिन एट दी एंड चिकन डर तो कोई एक ही टीम लेके जाएगी, 4 अंकों का डिफरेंस हो जाएगा अगर आप चिकन और सेकंड पोजिशन की बात करें, लेकिन क्या A1NB वो चीज कर पाएगी? क्या A1NB यहाँ से एक बड़ा गेम बनाने का मौका मिलेगा, एक चिकन रन बनाने का मौका मिलेगा? बिकॉज नंबर्स है आपके पास, बट अगेन द सर्कल गेम वुड ऑल्सो बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि अगर आप सर्कल के अंदर नहीं होते तो चीजें थोड़ी खराब होती, बट सर्कल के अंदर काइंड ऑफ दोनों ही टीमें हैं। ना नहीं, 1 मिनट के आसपास का समय रहेगा, एंड देन द सर्कल वुड बी शेकिंग इन, और फिर पता चलेगा कि किसको मूव इन करना पड़ रहा है और कौन स्पॉट हो रहा है उस सर्कल के अंदर क्रॉल करते हुए पूरे के पूरे एरिया के अराउंड। अभी के लिए K9 को हल्का सा दूर रखा गया कि हम एक 2v2 फाइट लेना चाहेंगे, आप पीछे रहिए फॉर द सपोर्ट, वहां पर आप स्पॉट करें किसी एक प्लेयर को, तो आप एक कॉल आउट दीजिए, एक स्प्रे कीजिए, उस खिलाड़ी को डाउन कीजिए, एंड देन वी कैन डायरेक्टली चार्ज इन। बट क्लियर एंड डेल्टा जस्ट होल्डिंग देयर स्पॉट, जस्ट होल्डिंग देयर ब्रेथ, की धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ेंगे, सर्कल के मजबूर करने पे आगे बढ़ेंगे। एंड देखिए सर्कल क्रशिंग इन शुरू हो चुकी है, सर्कल अब मजबूर कर रहा है टीम को आगे आने के लिए, और जैसे ही वो क्रॉल करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे शायद एक बार को एक स्पॉट हो सकता है। देखिए एक तरफ से आपको राइट विंग आगे बढ़ देख रहे, एक तरफ से डेल्टा आगे बढ़ देख रहे, और बहुत जल्दी आमने सामने आ सकते हैं फिर वो गन फाइट्स, वो फिर गन शॉट्स आपको चल दिखेंगे, लेकिन अभी हल्का इंतजार है।
स्पॉट अब तक किया नहीं क्या क्लियर. Okay, इनके सामने तीनों प्लेयर्स बैठे एंड द मेन प्रॉब्लम इज कि अगर डियास का खिलाड़ी उठते एक खिलाड़ी को स्पॉट करते हुए आप डाउन करने के लिए उठेंगे जब तक आपको दूसरे प्लेयर से स्प्रे पड़ेगी. सो यू नीड टू बी परफेक्ट विद दैट कि जैसे आप उठे आपको सपोर्ट के लिए आपका दूसरा प्लेयर स्प्रे देना शुरू कर दे. डेल्टा इज मूविंग फॉरवर्ड उठ के आगे भागने की कोशिश थोड़ी सी नाकामयाब होगी जब उसे खिलाड़ी को नॉकआउट किया. नाउ इट्स अ 1v3 सिचुएशन यहां पे क्लियर की पोजीशन रिवील करना नॉट अ वेरी बिग डील किलर देख सब कुछ रहे बट द पोजीशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज येट. अब यहां से दिखते थोड़ी सी बढ़ सकते हैं क्लियर स्पॉट के ऑस्ट्रेलिया को बट फ्रेस देने की कोशिश करेंगे. प्रयास काफी अच्छा बट क्या आप नॉकआउट कर फिनिशिंग कर पाएंगे. नो सर्कल के बाहर हो चुके इज गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन बट नहीं वो कनेक्शन अभी भी आता दिखेगा. खिलाड़ी सर्कल के बाहर से आ जाता है इसी कहती मेरी एज और वो बुलेट्स कनेक्ट हो जाएंगी. A1 and B they will be getting that winner winner chicken but DRS giving felt right लेकिन दूसरा पायदान ही मिल पाएगा. Well, खुश हूं मैं काफी ज्यादा A1NB के लिए. काफी टाइम से कमबैक के लिए मशक्कत करते हुए देख रहे थे और इस बार जो यहाँ पे मिला है उनको डेफिनेटली एक मोटिवेशन बूस्टर रहेगा और आज का दिन भी काफी लंबा है उनके लिए. 6 मैचेस और बचे हैं उनमें से कितने मैचेस उनके हाथ में जाएंगे ये देखने वाली बात रहेगी. क्या 4 मैचेस और बचे हैं या फिर बचे हैं सिर्फ 5 मैचेस मे बी दैट कुड बी द केस बट ये एक अच्छा बना बने चिकन रहना A1NB स्पोर्ट्स को काफी ज्यादा एक फ्रूटफुल एंगल पे लेके जाता दिखेगा. और चलिए अब बात करते हैं फटाफट से हमारी इस टीम के की डिटेल पॉइंट्स पे. 19 पॉइंटर का गेम यहाँ पे निकाला है उन्होंने 16 पोजीशन पे आ चुके हैं यानी कि टीम्स अब क्वालिफिकेशन सरीना के अंदर देखने को मिल रहे हैं ना. हैट्स ऑफ टू देम यार. A1NB स्पोर्ट्स भी एक ऐसी टीम निकल के आ रही थी जिनका परफॉर्मेंस उस लेवल पे देखने को नहीं मिल पा रहा था. दे आर गेटिंग डिस्क्वालीफाइड टू बी प्रिसाइज बट अब जो परफॉर्मेंस यहाँ पे आ रहा है वो बिल्कुल इनको अनईजी नहीं करेगा. जैसा कि मैं पहले देख रहा था कि काफी अनईजी हो जा रही थी टीम एंड दे आर अनेबल टू आई गेस ओवरकम विद दोस काइंड ऑफ पॉइंट्स इन द फेवर बट राइट नाउ इस चिकन के साथ डेफिनेटली इस टीम ने जगह बना ली है टॉप 16 में और अभी के लिए हिटमैन के पास है 5 अच्छे एलिमेंट.